Hi everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So my name is Zara. Guys, today video argan oil shampoo and conditioner review. Hairs की problems बहुत सारे लोगों को होती है, यूं कहूं तो 75% लोगों को hairs की problem होती है। अपने बालों की बेशुमार problems का शिकार सभी लोग हैं। तो पहले बात करते हैं कि बाल गिरते क्यों हैं और बढ़ते क्यों नहीं। दो reason, shampoo और oil कौन सा होना चाहिए, ये decide करना मुश्किल होता है। दूसरा, बालों की health को कैसे manage करें। इन सब प्रॉब्लम को आज के वीडियो में कवर करेंगे। पहले बात करते हैं शैम्पू कौन सा हो। सो गाइस, आर्गन ऑयल शैम्पू बहुत बेस्ट है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया शैम्पू है। बात की जाए इसके बेनिफिट्स की तो बेशुमार बेनिफिट्स हैं। बालों को गिरने से रोकेगा, साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और अगर आपके बालों में गंजपन की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, साथ साथ आपके बालों की रीग्रोथ भी करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, ड्राई हैं और फ्रिजी हैं, साथ में ऑयली हैं, तो ये आपके बालों को बहुत हद तक इम्प्रूव करेगा। इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही सुपर्ब हैं। या मैं आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि ये सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि बालों के लिए बहुत बहुत बेस्ट है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट शामिल है उसमें विटामिन ई आपके बालों में बहुत हद तक हेल्प करता है आपके बालों को बढ़ाने में। गाइस, तेल लगाना बालों में बहुत ज्यादा जरूरी है। शैम्पू तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ साथ आपकी ऑयलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आप बालों को शैम्पू कर बढ़ा चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, बालों की जो मेन चीज है शैम्पू के अलावा वो है ऑयलिंग। ऑयलिंग करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ऑयल बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा शैम्पू जरूरी है उससे कई ज्यादा बालों के लिए ऑयलिंग जरूरी है, क्योंकि ऑयल से आपके बाल मोटे होते हैं, घने और लंबे भी होते हैं, साथ में चमकदार भी होते हैं और बालों के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ऑयलिंग से वो भी सॉल्व होते हैं। साथ में आपके जो बालों की जड़ें हैं उसको भी ये मजबूत बनाता है और आपके जो बालों की जमीन होती है यानी कि जो आपकी सर की टेल होती है उसे भी जो है ये इम्प्रूव करता है और आपके दिमाग को भी तेल जो है वो तेज करता है। तो तेल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप कौन सा तेल यूज करें जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये तो हो गया शैम्पू। बालों को स्मूथ और सॉफ्ट रखने के लिए कंडीशनर की भी जरूरत होती है। सो गाइस, कंडीशनर बेहतर है कि उसी कंपनी का यूज कीजिए जो कि आप कंपनी का शैम्पू यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट है। बहुत सारे लोग कंडीशनर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को एक बात कर दूं, अगर आप लोग कंडीशनर को बहुत ज्यादा जमीन के ऊपर लगाएंगे तो आपको नुकसान देगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंडीशनर आपके बालों की लेंथ के लिए होता है। आप इसे दिमाग पर या आप इसको जड़ों में ना लगाया करें, सिर्फ आप ऊपर ऊपर से लगाया करें और जो आपके दिमाग की टेल होती है उसे थोड़ा दूर रखा करें, सिर्फ लेंथ पे लगाया करें, क्योंकि कंडीशनर आपके जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके बाल बहुत हद तक कमजोर हो सकते हैं, उससे टूट भी सकते हैं। अब बात करते हैं आर्गन ऑयल शैम्पू की प्राइस क्या है। सो गाइस, इसकी प्राइस 2200 रुपीज है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट शैम्पू है और बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं समझिएगा, ये बहुत सारी क्वांटिटी में आता है, आपको काफी टाइम तक चल सकता है, एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स तो इजीली चल सकता है अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करते हैं, तो बहुत हद तक चल सकता है। और याद रखिए कि रोजाना बालों में शैम्पू भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू में केमिकल्स भी आपके बालों को बहुत हद तक तोड़ते हैं, लेकिन इस शैम्पू में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके बालों को घना और लंबा चमकदार बनाएंगे। सो गाइस, ये 2200 रुपीज का शैम्पू है। अगर आप कंडीशनर यूज करना चाहें तो अराउंड 4000 रुपीज में आपको ये पूरी किट पड़ जाएगी। स्क्रीन पे चल रहे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, साथ में इंडिया और वेस्टर्न ममालिक के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं 4000 रुपीज में ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी ऑल ओवर। बाकी अगर आपकी वाकई में शादी होने वाली है तो 2 से 3 महीने पहले आप इसे ट्राई करके जरूर देखिए, आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी और काफी क्वांटिटी में ज्यादा होता है, आपको 2-3 मंथ्स चल जाएगा। सो जिन लड़कियों की या लड़कों की वेडिंग की वजह से बालों की आपको प्रॉब्लम है और आप बहुत परेशान रहते हैं तो आप इसे ट्राई करके जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा बेस्ट लगेगा और आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। सो गाइस, एक्सपायरी डेट जरूर चेक किया करें और प्रोडक्ट ओरिजिनल होना चाहिए, ये बात याद रखें, क्योंकि ये बाहर से आता है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बाय नहीं करेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। आई नो के सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में। सो इसका तरीका जान लेते हैं कि आपने इसे यूज कैसे करना है। गाइस, हफ्ते में 3 बार इसे जरूर यूज करें शैम्पू और कंडीशनर को, जैसे कि आप नॉर्मली शैम्पू करते हैं उसी तरीके से आप शैम्पू को कर सकते हैं, नो इश्यू वैसे ही। और बात कर लेती हूँ मैं, अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं दूसरा शैम्पू जो कि रीजनेबल प्राइस में हो, तो पेंटीन का मैं रिव्यू बहुत जल्दी करूंगी जो मैं खुद भी यूज करती हूँ इंशाल्लाह अपकमिंग। नीचे के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन चाहता है कि मैं पेंटीन शैम्पू पे रिव्यू करूँ, कौन सा मैं यूज करती हूँ वो भी मैं साथ साथ बता दूंगी। लेकिन गाइस याद रखिए कि शैम्पू को 2 से 3 बार ही यूज किया करें, हफ्ते में ज्यादा यूज ना किया करें, और वो शैम्पू यूज कर सकते हैं आप
रेगुलरली जो सल्फेट फ्री हो, क्योंकि जिस शैम्पू में सल्फेट होता है यानी ज्यादा झाग बनते हैं वो आपको बहुत हद तक नुकसान पहुंचाता है, आपके बालों की जड़ों को कमजोर करता है, क्योंकि ये केमिकल आपके बालों को सॉफ्ट और चमकदार तो बनाता है लेकिन इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं बालों में। बेबीज का शैम्पू आप यूज कर सकते हैं रेगुलरली, क्योंकि उसमें सल्फेट नहीं होता, वो सल्फेट फ्री होता है और उसमें ज्यादा झाग भी नहीं बनते। और कंडीशनर यूज करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग यूज करते हैं बालों को स्मूथ और सॉफ्ट करने के लिए, लेकिन कंडीशनर जड़ों पे यूज ना किया करें, ये बात भी आपने याद जरूर रखनी है। उसके अलावा बालों पे जो आपने तेल यूज करना है उसमें आलमंड ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, साथ में धनिए का ऑयल। धनिए का ऑयल के बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पिछली वीडियो बनाई है, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिएगा, बहुत बेस्ट है बालों के लिए। और नंबर सेकंड ये कि आप लोग एलोवेरा का ऑयल भी यूज कर सकते हैं अगर आपको एलोवेरा ऑयल सूट करता है, वो भी मैं होममेड बनाना सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि वो कैसे बनाना है। घर में बनाकर रख लेंगे तो 100 रुपीज में तैयार हो जाएगा और आप उसको 2-3 महीने तक यूज कर सकते हैं। सो गाइज ये तो थी सिंपल सी आज की वीडियो। आर्गन ऑयल शैम्पू और कंडीशनर दोनों ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज थे इसके और प्रोडक्ट भी काफी अच्छा है। अगर आपकी शादी होने वाली है और आप ब्राइडल हो तो फिर जरूर यूज करके देखें, आपके बालों की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, साथ साथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो ये जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।